ठीक है। लो भाई आज का अपना टॉपिक क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओ चल पड़ी भाई। इंट्रोडक्शन ही हो गया बस, वो पता है ना नु। अच्छा आप रेडी वाले के पास गए, रेडी वाले को कहा आपने, वो खैर है मेरी वो फोटो आने दो, रेडी वाले के पास गए उनके भाई आ सेब किवें लाए ने, उन्हें की कहना को 200 रुपये किलो, तुसी उन्हें जुगत मारने को, उनका भाई किवें मतलब जोड़ के लाए ने या अलग अलग लाए ने। एक इसका और भी आंसर बन सकता है कि भाई आपने किसी और रेडी वाले के मुकाबले में किस रेट पर लगाए हैं, ठीक है। सेम अगर हम इधर एक क्वेश्चन उठाते हैं कि मैं कहता हूँ ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है ये कहाँ पड़ा है, ठीक है, और ज़मीन पे, ज़मीन से कितनी दूर पड़ा है, हाँ नहीं और भी बताओ इसके और क्या बन सकते हैं पॉइंट्स। अच्छा और दीवार से थोड़ी दूर पड़ा, क्या इसका ये आंसर बन सकता है कि ये चांद से या सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर एक सरफेस पे पड़ा है? क्यों नहीं बन सकता? 15 करोड़ है, 15 करोड़, हाँ। सर्दियों के अंदर ना, सर्दियों के अंदर 14 करोड़ 70 लाख तक चला जाता है डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या ये हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ यार ये ट्राइपॉड स्टैंड मिल्की वे गैलेक्सी में पड़ा हुआ है? मिल्की वे गैलेक्सी ना हमारी, कह सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे अगर हम इस कमरे की बात करते हैं, इस कमरे के अंदर मैं कहता हूँ कि ये एक टेबल पड़ा है या एक चेयर पड़ी है, ये इधर कमरे में कहाँ पर पड़ी है, तो आप क्या आंसर लोगे? अब मनान कहेगा सर इस कॉर्नर से ये कोई 1 मीटर के या 2 मीटर के फासले पर पड़ी है, बिलाल कहेगा सर मेरे से 10 मीटर के फासले पर पड़ी है, आपसे 1 मीटर के फासले पर पड़ी। इसका मतलब है कि आप हर पॉइंट पर क्या अपना ले रहे हो, हाँ इस प्रोस्पेक्टिव को फिजिक्स क्या नाम देती है, रेफरेंस। अगर रेफरेंस देखो ना, अगर हम रेफरेंस देखें तो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने रेफरेंस वाले एक चीज का नाम रखा था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था सोचो, हाँ वेक्टर, उस वेक्टर का नाम पोजीशन वेक्टर। वो पोजीशन वेक्टर कहता था कि भाई यहां पर अगर आपकी कोई चीज पड़ी है तो आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हो, एक ओ बोले तो ओरिजन, तो आप कहते सर ओरिजन पे वैल्यू 0 और ये पॉइंट पी, यही कहते थे। सेम यहां पर है, ये भी इधर हमारी थ्योरी में आया था मॉडर्न फिजिक्स में, वो कहता है कि इस वक्त हम एक रूम में है, इस रूम के अंदर ये जो रूम की वॉल्स है ना, ये मेरा क्या है इस वक्त, यहाँ हम सबका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम इस वक्त बैठे अपना लेक्चर ले रहे हैं। सेम कोई आप में से स्टूडेंट लेबॉरेटरी में कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो उस वक्त लेबॉरेटरी उसका क्या होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने अक्सर देखा होगा भी फलां हमने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब फिजिक्स वाले तो इस पे काम ही देखते हैं, केमिस्ट्री वाले बहुत ध्यान रखते हैं एसटीपी का, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कहता है कि भाई इस वक्त हम जहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमारे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर टेम्परेचर या हमने जो लेवल्स रखने हैं वो एसटीपी रखने हैं, ऐसे कहते हैं ना वो। सेम हम इधर फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से कि भाई कितनी दूर है कितनी दूर है। अब वो कहता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करेगा कि आप किस तरह की मोशन कर रहे हो। अच्छा अब आप सोचो इस वक्त आप या हम लोग कौन से फ्रेम में बैठे हुए हैं, स्क्वायर फ्रेम में, रूम में। अच्छा हम लोग अगर फर्ज कर लो एक ट्रेन में जा रहे हैं तो उस वक्त जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो ट्रेन होगी, ठीक है। और अगर आप में से सब लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो एक दूसरे के लिहाज से हमारी मोशन क्या होगी, रेस्ट में होगी या मोशन में होंगे, रेस्ट में होंगे। और अगर बाहर कोई बंदा है हमें देख रहा है खिड़की से तो उसके लिहाज से हम किस में होंगे, मोशन में। अब वो फ्रेम किसको ले रहा होगा, वो अर्थ को और अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग को ले रहा होगा। लेट्स सपोज वो किसी दरख्त के पास खड़ा है तो वो कहेगा भी इसके लिहाज से ट्रेन मोशन में है या मेरे लिहाज से ट्रेन मोशन में है, तो वो उसके लिहाज से ले रहा होगा। अब आइंस्टाइन के मुताबिक मोशन रिलेटिव है, तो अगर ट्रेन 10 की रफ्तार से जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की, तो फिर वो बंदा इधर किस रफ्तार से जा रहा होगा, 10, तो उसे तो यही लग रहा होगा कि वो भी हरकत में है और ट्रेन भी हरकत में है। अब आइंस्टाइन से पहले बाबा न्यूटन ने 2 हमें बताए थे फ्रेम, एक तो उसके अपने नाम पे ही है
इसको कहते हैं इनिशियल या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और दूसरा है इसका ऑपोजिट, यानी कि नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जब मैं कहूंगा ना बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला वो था ए, गैलीलियो ने दिया था ये, ए इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई किसी चीज में एक्सेलरेशन बनेगी अगर उस चीज में क्या होगा, ऊपर वाले फैक्टर को देखते हैं, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। टाइम तो एक एक क्वांटिटी है जो कभी भी रुक नहीं सकती या चेंज होने से हम रोक नहीं सकते, तो वो तो छोड़ दो। किसका देखना मेन? वेलोसिटी का। अगर किसी चीज की वेलोसिटी चेंज हुई वहां पर क्या बननी है? एक्सेलरेशन। और उस वक्त वो जिस फ्रेम में होगा, अगर वो एक्सेलरेशन कर रहा है फ्रेम, तो वो कौन सा फ्रेम होगा? एक्सेलरेटेड फ्रेम। और अगर वो फ्रेम एक्सेलरेशन नहीं कर रहा तो वो कौन सा होगा? नॉन एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या बनता है? एम ए, ये बनता है। तो अगर एक्सेलरेशन है तो फिर देन वहां पर क्या होगी? फोर्स भी होगी। अब न्यूटन का पहला कानून, जिस कानून का दूसरा नाम क्या है, पहले कानून का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या कहता है? कि बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन, कब तक? नो नेट फोर्स। नेट फोर्स कब बनेगी? जब ए बनेगा, क्योंकि किसी चीज का मास तो हम खत्म कर नहीं सकते। ए बनेगा, और ए कब बनेगा? जब वेलोसिटी में चेंज होगा। तो वो कहता है कि अगर किसी वक्त आप किसी ऐसे फ्रेम में बैठे हो, जो फ्रेम कैसा है आपका? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल का मतलब क्या बना? कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो आपको सर एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब ये है कि आप उस ऐसी चीज में बैठे हो, ऐसे फ्रेम को डिस्कस कर रहे हो, ऐसे डब्बे को रेफरेंस को ले रहे हो जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो उस वक्त जो भी काम हो रहा होगा वो कौन से फ्रेम में चला देगा? इनर्शियल या नॉन एक्सेलरेटेड। और नॉन इनर्शियल क्या कौन सा हो जाएगा? जिसके अंदर वेलोसिटीज क्या हो रही होंगी? चेंज हो रही होंगी। अच्छा, अब आप रेफरेंस को देखो, रेफरेंस सोचो। एक बंदा, ये एक ट्रेन है जी हमारी पूरी, इस ट्रेन में एक बंदा इधर खड़ा है और ये ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ठीक है जी। इस ट्रेन के अंदर एक बंदा ट्रेन की डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ ट्रेन जा रही है और बिल्कुल आखिरी डब्बे में खड़ा है बोगी में, और वहां से वो जा रहा है इंजन वाली बोगी की तरफ। अब मुझे बताओ, वो बंदा 1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, ये बंदा इधर जा रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब आपने ये बताना है कि उस बंदे की वेलोसिटी कितनी है? किसके लिहाज से? किसके लिहाज से? अब सोचो, आपको सर अगर तो आप कहोगे ट्रेन के लिहाज से तो वो 1 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप कहोगे बाहर जो नीचे पड़ा हुआ है ट्रैक, या वो कोई रेलवे स्टेशन है, या कोई भी बंदा जो बाहर खड़ा है बाहर वाले फ्रेम से देख रहा है, उसके मुताबिक कितनी है? 61, ठीक है, ठीक है। और अगर वो ऑपोजिट चले तो बाहर वाले बंदे के मुताबिक कितनी हो जाएगी? 59, यही बनेगा। तो वो कहता है ये जो आपके पास ये एक्सेलरेशन का चक्कर आ रहा है, ये दो अलग अलग फ्रेम से आ रहा है। एक फ्रेम तो उस बंदे का अपना है जो उस ट्रेन में है, और एक फ्रेम बाहर वाले में, यानी कि दो अलग फ्रेम्स के अंदर आपकी मोशन कैसी हो रही है? डिफरेंट। यानी कि दो अलग फ्रेम्स में आपकी वेलोसिटीज कैसी हो जाएंगी? डिफरेंट। अच्छा, अब आप ये सोचो कि ये बंदा लेट्स सपोज इधर ही है और ये ट्रेन, मतलब बंदा रुका हुआ, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, बैठे हुए हम लोग, और ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आए। अगर तो हम देखें अर्थ के लिहाज से, अर्थ के ऊपर किसी चीज़ के, तो इस बंदे की रफ्तार कितनी होगी? जितनी कितनी है? 60। अगर हम इसी को देखें अर्थ के सेंटर के लिहाज से, तो इस बंदे की रफ्तार कितनी होगी? अर्थ 1 घंटे में 16,000 किलोमीटर करती है, तो इस बंदे की रफ्तार अर्थ के लिहाज से कितनी हो जाएगी? 16,000 किलोमीटर 1 सेकंड में। और अगर यही रफ्तार हम सूरज को रेफरेंस लेके देखें तो कितनी होगी? 1,10,000 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि डिफरेंट फ्रेम्स में वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं चीज़ों की? डिफरेंट हो जाती हैं। और वही इधर हमारे पास यूज होना है। अब इनिशियल फ्रेम आपको समझ आ गया कि जिसमें क्या होगी, ऐसा फ्रेम हमने चूज किया जिसमें क्या हो रही है, आपकी बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, उसके अंदर जो भी काम होगा वो किस में आ जाएगा? नॉन इनर्शियल में। और इनर्शियल में, यानी कि नॉन इनर्शियल कौन सा होगा? जिसके अंदर बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेशन। अब वो कहता है हम अर्थ पर जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारी अर्थ कौन से खाते में आती है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल?
वो कहते हैं अर्थ है तो अगर हम बिल्कुल प्रीसाइज मेजरमेंट करें तो नॉन इनर्शियल आती है। हमने कहा भी क्यों, उसने कहा उसकी वजह यह है कि सूरज के गिर्द इसका जो डिस्टेंस है ये ऐसे है, ये ऐसे अंडे की तरह है, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है, क्योंकि ये एलिप्स टाइप एक स्ट्रक्चर बनाती है। तो जब इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, कम ज़्यादा हो या ना हो हमें सिर्फ मतलब है चेंज से, तो चेंज हो रही है क्या बननी है एक्सेलरेशन। तो कहता है कि हमें उस एक्सेलरेशन की वजह से वो फ्रेम कैसा लगता है नॉन इनर्शियल, लेकिन हकीकत में वो कहता है कि वो इतनी माइन्यूट से एक्सेलरेशन है कि हम उसे इग्नोर कर कर अर्थ को कैसा ले लेते हैं इनर्शियल। वो कहता है अगर अर्थ लेट्स सपोज इस फ्रेम में एग्जिस्ट करती, इसमें प्योर फॉर्म में, यानी कि हम उसे इतना ज़्यादा वैल्यू होती उसकी कि वो हम निग्लेक्ट ना कर पाते, तो फिर पता क्या होना था, फिर मोटे ने सर्दियों के अंदर किसी और तरह नहाना था, गर्मियों में किसी और तरह नहाना था। क्यों? क्योंकि डिफरेंट फ्रेम्स में वेलोसिटीज क्या हो जानी थी डिफरेंट, क्योंकि सर्दियों में स्पीड ज़्यादा यानी कम, गर्मियों में स्पीड ज़्यादा या कम, तो दोनों फ्रेम्स क्या हो जाने थे डिफरेंट हो जाने थे, तो इसलिए वेलोसिटीज डिफरेंट होगी, फ्रेम्स डिफरेंट हो गए तो फिनोमिनाज भी क्या हो जाने थे डिफरेंट हो जाने थे। वो कहता है कार जा रही है भाई, ये कार अगर अपनी एक कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है तो ये कौन से फ्रेम में होगी, इनर्शियल, ठीक है, तो इनर्शियल में होगी, इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगेगी ना यहाँ पे लगती है। लेकिन अगर इस कार को कोई बंदा यकदम ब्रेक लगाए तो क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम से मिनिमम होगी, जैसी होगी नॉन इनर्शियल, तो आपकी बॉडी पर क्या लगती है फोर्स, और आप आगे की तरफ मूव करते हो, अपने लॉस को बदलने की कोशिश करते हो, ये आगे आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिविटी, ठीक है, वो स्पेशल रिलेटिविटी का जो हमारा इसका चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, स्पेशल रिलेटिविटी क्या है, स्पेशल रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि भाई अगर हम लोग सामने की तरफ जा रहे हैं और उधर सामने गाड़ी में जा रहे हैं 40 किलोमीटर की रफ्तार से, और उधर एक दरख्त है, तो वो दरख्त आपकी तरफ किस रफ्तार से आ रहा है 40, ठीक है, अच्छा, और अगर हम सामने की तरफ ही जा रहे हैं और उधर से भी एक कोई कार हमारी तरफ आ रही है तो उस कार की रफ्तार भी 40 है, तो टोटल रिलेटिव रफ्तार कितनी होगी, कितनी होगी 80 होगी, ये कार 40 और ये कार 40, तो टोटल कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि ये इधर आप खड़े हो, मोटा खड़ा है, इधर आपके पास एक लाइट है, तो सबसे पहले लाइट से पहले ना हम चैप्टर नंबर 8 के आखिरी टॉपिक में जाते हैं जो था डॉपलर्स इफेक्ट, वो मैंने पढ़ाया था कि ये साउंड आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, अगर साउंड आपकी तरफ आ रहा हो तो साउंड ज़्यादा सुनेगा कम सुनेगा, और अगर आपसे परे जा रहा हो कम, डॉपलर्स इफेक्ट यानी कि डॉपलर शिफ्ट का वो फैक्टर आ जाता है। लेकिन अब आपने मुझे ये बताना है कि आप इधर खड़े हुए हो, ये एक टॉर्च लाइट है, ये टॉर्च लाइट से आपकी तरफ आ रही है लाइट अपनी एक स्पेसिफिक स्पीड सी से, C की वैल्यू कितनी है, 2.3 करोड़ मीटर पर सेकंड, हाँ, या दूसरा 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब ये रफ्तार है, ये आप कहोगे सर लाइट मेरी तरफ किस रफ्तार से आ रही है, तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से। लेकिन अगर कोई बंदा इस लाइट को इधर लेके आना शुरू कर दे इस टॉर्च को, और वो लेट्स सपोज 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ला रहा है, अब बताओ लाइट किस रफ्तार से आपकी तरफ आएगी, ऑपोजिट जा रहा है वो, हाँ वो उधर जा रहा है, मतलब आपकी तरफ लाइट मैं लेके आया तो पीछे की तरफ जा रहा हूँ, किस रफ्तार से जा रहा हूँ 100 किलोमीटर पर आवर, हाँ कितनी हो जाएगी, 2,90,000 ऐसे ही। अच्छा, अगर यही बंदा ये काम कर दे इधर लाने के बजाय ना इधर ले आए, तो आप कितनी हो जाएगी, 3,10,000 यही बनेगा। अच्छा, अब आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि ये जो रिलेटिविटी के कानून है ना ये सब पे लगेंगे, लाइट पे नहीं लगेंगे, नहीं जीरो नहीं है, फिक्स रहेगी। कल आप अगर आपको याद हो तो कल जब इंट्रोडक्शन कराया था उसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट, याद आया क्या, कि लाइट क्या रहेगी, लाइट की रफ्तार ना बढ़ेगी ना कभी कम होगी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक पॉइंट है ये कि स्पीड यानी कि सी स्पीड ऑफ लाइट इज
इनवेरियंट, वजह भी देखते हैं। दूसरा देखो, दूसरा कहता है कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर, नहीं, ऑल लॉज ऑफ नेचर, नेचर को डिस्कस करने के लिए हम फिजिक्स लेते हैं, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स एंड नेचर आर सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, के हर किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऑल लॉज ऑफ नेचर आर सेम इन ऑल। अब ये आइंस्टाइन ने, पहले तो इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। ये पहला पॉइंट, वैसे बुक ने ये लिखा हो दूसरा लिखा हो, पहला हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट बुक कैसे कहती है कि भाई लॉज सेम रहेंगे। अगर आप इस रूम में बैठे हो और ये रूम एक ट्रेन का डब्बा है, इसके अंदर आपने कप लिया, उसके अंदर डाला पानी, 7% डालकर चाय बना ली, और ये ट्रेन जा रही है कॉन्स्टेंट स्पीड पे, तो ये कौन सा फ्रेम बनेगा? इनर्शियल बनेगा, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं कहूँ कि भाई ये ट्रेन का डब्बा ऐसे का बाहर नहीं देख सकते, और ट्रेन का मैंने आपको झुकावा डाला कि ट्रेन चल ही नहीं रही, मतलब मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है, जब कॉन्स्टेंट स्पीड से चलेगी आप जज ही नहीं कर सकोगे ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही, तो आपने रेस्ट में थी ट्रेन और आपने कर लिया, तो क्या आप रेस्ट में थे या मोशन में थे इनिशियल में? क्या आपने कभी ये देखा कि आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ हो कि चाय ज़्यादा डल गई कम डल गई, यानी कि आपको कोई थोड़ा सा चेंज आया हो एक्सपेरिमेंट करने में? यार वैसे बात कर रहे हैं कि कोई पता लगे, कोई चेंज पता लगेगा? नहीं पता लगे। लेकिन अगर हम, मैं कहूँ कि भाई ट्रेन हर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ा रही है, अब चाय डालते वक्त उसका मैं आपको पता लगेगा? अब पता लग गया, क्यों? क्योंकि अब आपको वो क्या लग रहे होंगे, झटके से फील हो रहे होंगे। अब यही वो कहता था, कौन? बाबा आइंस्टाइन। वो कहता कि इनिशियल फ्रेम को पता लगाना बड़ा मुश्किल चीज़ है, नॉन इनिशियल का फ्रेम का पता आप स्किंटों में लगा सकते हो अपनी फोर्स के इफेक्ट की वजह से, लेकिन नॉन इनिशियल फ्रेम जो है वो मुश्किल है। जैसे कि कल इसको भेजा था हमने खला में, तो जब ये खला में गया था तो ये अपनी बता ही नहीं सकता था ये रेस्ट में या मोशन में, कब तक? जब तक यहाँ तो ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का पंगा खत्म करे अपना, अगर वो पंगा खत्म करेगा तो झटके लगे इसे पता चल जाएगा भी इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। या दूसरा क्या था, हाँ सरमद आकर इसके पास स्पेसशिप गुजारे आ जानी, ठीक है सब, तो ये हो। तो आइंस्टाइन ने भी यही कहा कि भाई नॉन इनिशियल फ्रेम को ढूंढना मुश्किल नहीं है, वो पता लग जाता है, तो इनिशियल को ढूंढना क्या है मुश्किल। लेकिन वो कहता है जो कानून है फिजिक्स के, वो जो इनिशियल में लगेंगे ना वो इनिशियल, यानी कि हर किस्म के फ्रेम में लास्ट क्या लगेंगे, सेम। अब कैसे, अब हम इस जा रहे हैं ट्रेन में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ भी, अब इस ट्रेन के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ हमने किया उसके मुताबिक हम इधर बैठकर जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो अपने फ्रेम के मुताबिक कर रहे हैं। ये फ्रेम लेट्स सपोज क्या है, इनिशियल, कि ट्रेन कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है, लेकिन जो बाहर बंदा खड़ा है उसके मुताबिक पहले ट्रेन नहीं थी, बाद में ट्रेन आनी शुरू हुई, तो उसके मुताबिक वो फ्रेम इनिशियल भी हो सकता है नॉन इनिशियल। अब उसके मुताबिक जो काम मैंने इधर ट्रेन में किया वही काम मैं अगर बाहर करूँ तो वो सेम होगा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, लेकिन ये भाई क्या कहते हैं, सेम होगा, क्योंकि अगर लास बदलने शुरू हो जाएं तो हर चीज़ ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए फ्रेम के लिहाज से, तो वो कहता है लास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, मतलब जो हमने इधर पहला लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट। अब आइंस्टाइन को छोटे होते ये था कि यार ये जो लाइट है किस रफ्तार से चलती है, तो इससे पहले एक मैकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें उन्होंने एक टर्म इजाद की थी ईथर, इसको कहते हैं कि भाई लाइट ना इसी में से गुजरती है सिर्फ, ठीक है, ये कोई फ्लूड है इसमें से सिर्फ लाइट गुजरती है, तो इसने रिजेक्ट किया इसके इस टर्म को, इसने कहा भाई लाइट जो है ना लाइट स्पेस से गुजर सकती है और फिर उसकी आगे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये एक वेव है जो गुजर सकती है किसी भी मीडियम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बगैर मीडियम के भी गुजर सकती है, और ये इसकी जो स्पीड है वो कभी भी चेंज नहीं होती। हाँ तो सूरज से इधर तक रोशनी कौन लेकर आ रहा है, अलग पाइप लगाया हुआ है, सूरज से लाइट ही आ रही है तो स्पेस से ही होके आ रही है, तो ये जो हमारे पास स्पीड है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब इसके लिए उसने क्या किया, उसने कहा लेट्स सपोज के अगर वही वाला एक्सपेरिमेंट आप देखो कि इधर एक बंदा आपके पास खड़ा है और इधर से कोई लेजर लाइट चला रहा है, लेजर लाइट क्या कर रही है, ब्लिंकिंग कर रही है। अब वो कहता है अगर वो लेज़र लाइट आपकी तरफ आ रही है
तो वो ब्लिंक कर रही है, वो जैसे अपनी पाल छोड़ेगी ना तो पहले जो उसकी स्पीड थी और बाद में जो उसकी स्पीड थी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, इवन कि ये लेजर लाइट मूव कर रही हो या लेजर लाइट क्या कर रही हो एट रेस्ट हो, ये स्पीड को चेंज नहीं करता। यानी कि अगर तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट चेंज होनी शुरू हो जाए तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से अगर लाइट ज़्यादा स्पीड पे वो सोर्स चलना शुरू कर देगा तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा, और अगर डिफरेंट टाइम पर करेगा तो फिर कम हो जाएगा। अभी इस एक्सपेरिमेंट को समझो, ये ट्रेन का डब्बा है, फिर बाहर एक बंदा खड़ा है, इस डब्बे के अंदर मैंने मेरे हाथ में एक बाल और मैंने इसे ऐसे उछाला, ये ऊपर जा रही है बाल, अब उतनी देर में ये डब्बा कहाँ गया, तो वो बाल मेरे हाथ में आनी चाहिए या उस दीवार के साथ लगनी चाहिए, सोचो आएगी हाथ में लगनी चाहिए दीवार के, देखो ना ऐसे फेंका तो जब बाल अभी ऊपर है मैं तो नीचे से निकल गया तो वो दीवार के साथ जाके टकराएगी ना ऐसे करके, लेकिन वो आती कहाँ है हाथ में। अब इसी चीज को आप समझो लाइट के लिहाज से, ये आपका डब्बा है, इधर आप में कोई बंदा बैठा हुआ है, इसके पास है जी एक लाइट का सोर्स, इसने लाइट चलाई, सपोज कर लो कि हमें लाइट के वो नज़र आ रहे हैं वेव फ्रंट्स इधर और इधर, तो जब ये बंदा अंदर बैठा होगा ना तो इसके मुताबिक जितने वेव फ्रंट जिस स्पीड से इधर जाएंगे उसी स्पीड से इधर जाएंगे। अब ये बंदा कार के उसी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ, या ट्रेन लेट्स सपोज ये डब्बा शीशे का बना हुआ है सारा, अब क्या होगा ट्रेन चल रही है अपनी कॉन्स्टेंट स्पीड से तो या जिस भी स्पीड से चल रही है, ये बंदे के मुताबिक इसको लाइट कैसी लगेगी दोनों साइडों पर जाती हर वक्त सेम लगे, इसे यही लगेगा कि भाई जितना सेंटर में बैठा हूँ जितना टाइम उधर जाने के लिए लग रहा है उतना इधर, डिस्टेंस सेम टाइम सेम तो स्पीड क्या आएगी सेम। लेकिन वो कहता है कि अगर कोई बंदा आप में से बाहर है तो बाहर वाले बंदे को क्या लगेगा, अगर ये ट्रेन इस तरफ जा रही है तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि जो ये वाला वे फ्रंट है इधर वे फ्रंट तीन पहुंचेंगे और इधर वे फ्रंट एक पहुंचेगा, ऐसे ही लगेगा कि ये डब्बे का हिस्सा कहाँ चला जाएगा आगे और वो वाला फ्रेम कहाँ चला जाएगा आगे, तो उधर कितने जाएंगे तीन। अब वो कहता है कि ये जो डिफरेंट इसे नज़र आ रहा है अगर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो जाए तो क्या हो, तो ये वाला फ्रेम इसको प्रॉपर इस तरह इस शक्ल में नज़र ही नहीं आएगा, बल्कि कैसे नज़र आएगा कि एक साइड पर ज़्यादा जा रहे हैं और दूसरी साइड पर कम जा रहे हैं। लेकिन वो कहता है स्पीड ऑफ लाइट क्या है कॉन्स्टेंट, तो अंदर वाले को तो अभी भी यही लग रहा होगा कि क्या हो रहा है दोनों साइडों पर बराबर जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर बंदा बैठा है उसे क्या लग रहे हैं कि आगे वाले को ज़्यादा लगेंगे पीछे वाले को कम लगेंगे। वो कहता है अगर लाइट डिफरेंट हो जाए डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करे तो ये क्या हो जाएंगे दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में क्या है कि लाइट किस स्पीड से मूव कर रही है सेम स्पीड से, जिसकी वजह से दोनों स्ट्राइक्स पर क्या करेगी लाइट सेम टाइम पर स्ट्राइक करेगी। जब हम कल के दो टॉपिक्स पढ़ेंगे ना टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रेक्शन वहाँ पर और आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा वो कहता है कि ये वाला चीज़ समझ आ गई आपको, अगर वो कहता है कि हमारे पास इधर कमरे के अंदर या बाहर कोई भी बंदा लाइट को ऑन करता है तो वो इधर से लाइट को ऑन करता है और इधर कोई रॉकेट जा रहा है ऐसे, वो रॉकेट लाइट को साथ साथ देखता जा रहा है लाइट की पल्स को, तो वो कहता है कि अगर ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है ये लाइट के साथ साथ स्पीड रिकॉर्ड करे तो इसे नज़र आएगा कि ये जितनी भी दूर चला जाए। अब देखो ये रॉकेट इस पॉइंट के लिहाज से रेस्ट में मोशन में है, मोशन में है तो इसके मुताबिक ये मोशन में है तो इसके मुताबिक जो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है वो वेरिएंट होनी चाहिए जैसे कि लॉ ऑफ रिलेटिविटी में है, लेकिन वो कहता है ये रिलेटिविटी के अंदर नहीं आ रही, स्पीड क्या रह रही है हर पॉइंट पर इसकी कॉन्स्टेंट रह रही है वो चेंज नहीं हो रही। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी इनवेरिएंट, ना बढ़ेगी ना कम होगी, इसके मुताबिक फिर आगे आपकी सारी कहानी चलती है। ठीक है यहाँ तक आपका टॉपिक था, बाकी इंशाल्लाह का अच्छा चैप्टर 9 पढ़े और चैप्टर 10 पढ़ के आई फिर चैप्टर 10 के अंदर क्या किया था कि एक बंदा था उस बंदे ने चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर का ही होगा, उस बंदे ने क्या किया उस बंदे ने देखा कि जो जो लाइट है ये सबसे पहले सबको ही था कि भाई लाइट एक एनर्जी है तो जाहिर सी बात है इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगता है वक्त, अगर इसे वक्त लगता है तो फिर इसकी क्या होगी एक स्पीड भी होगी। उन्होंने क्या किया दो पहाड़ सेलेक्ट कर लिए उनके दरमियान का डिस्टेंस मेजर कर लिया, इस पहाड़ के ऊपर उन्होंने ना ऐसे 8 फ्रेम का एक शीशा लगा दिया और इधर एक शीशा रख दिया। अब हमें पता था कि लाइट यूँ टकराएगी टकराने के बाद वहाँ से इधर आएगी, इधर से टकराने के बाद वापस उधर जाएगी और जाकर दूसरी माइक्रोस्कोप पे नजर आएगी, ये कुछ बनेगा सीन, ये टकराई गई इस शीशे पे टकराई और इधर से किधर आई माइक्रोस्कोप और इधर सोर्स। अब उन्हें पता था कि इन दो पहाड़ों के दरमियान का डिस्टेंस उन्होंने ऑलरेडी क्या किया हुआ था कैलकुलेट किया हुआ था,
ये जो शीशा था ये आठ शक्लों वाला था, मतलब इसके ऊपर ना आठ टुकड़े थे, ये करके ऑक्टागोन बना हुआ था यूं करके, ठीक है यूं। अब वो क्या था कि हमने माइक्रोस्कोप में देखा ना, जब हमने उस शीशे को एक रूटर पे लगाया तो वो शीशे क्या करते थे, घूमते थे। तो अब जब वो एक स्पीड से घूमते थे ना, तो स्पीड की बात माइक्रोस्कोप में ब्लिंकिंग्स आती थी, हालांकि उधर से तो कॉन्स्टेंट आ रही है लेकिन माइक्रोस्कोप में क्या आती थी, ब्लिंकिंग। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मोटर की स्पीड को बढ़ाया। अब स्पीड बढ़ाने का मतलब है उसकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना, ओमेगा को, ओमेगा से क्या निकल आता है फिर एफ भी निकल आता है। अब उन्होंने एक ऐसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पर लेके गए जहां पर क्या बना, इसकी आंसर लाइट क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। उधर से उन्होंने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की, और फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट के बाद डिस्टेंस की वैल्यू पुट की, तो उसके पास क्या आ गया आंसर, वो मेरे ख्याल से बना था 16 FD आई थिंक बना था स्पीड ऑफ लाइट सी। तो 16 मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी और डिस्टेंस जब उन्होंने पुट किया तो वहाँ से स्पीड ऑफ लाइट निकली कि भाई लाइट को यहाँ से जाने और आने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगा वक्त, तो वो डिस्टेंस टोटल को उन्होंने डिवाइड कर दिया उसके टाइम पर, तो कहाँ क्या निकल आई वहाँ से, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है सर, ये कल आपने बताया कि वो जो 19th सेंचुरी है, एक मिनट, तेरे पास 110 रुपए, तो जो ऊपर वाले 10 है वो कौन से 100 के हैं, पिछले 100 के, अगले 100 के, तेरे पास 110 रुपए हैं, वो जो ऊपर वाले 10 है वो पिछले 100 का हिस्सा है या अगला 100 जो बन रहा है उसका हिस्सा है, अगला 100 पूरा करने के लिए, अगला 100 का मतलब है पिछला 100 और अगला 100 टोटल कितना हुआ, अगला 100 और पिछला 100 जमा करो तो कितना बना, 200 बनाने के लिए अब तुझे कितने और पैसे चाहिए, 90, इसका मतलब है तेरे पास पहले कितने पड़े हैं, अगले 100 के 10 रुपये पड़े हैं, तो फिर वो अगले 10 कौन से हिस्से में आएंगे, अगले में, तो अब 2000 क्या चल रहा है, 23, तो 23 रुपये तो हम खा चुके हैं, पीछे कितने रह गए, 77, तो वो जो 77 रुपए है वो अभी हमारे पड़े हैं इस सदी के, ये सदी कौन सी हुई फिर, 21वीं, क्योंकि पिछली 20वीं तो हम खा चुके हैं सारी। ठीक है चलो जी, जाओ यार, खा तो चुके हैं। हाँ सही बात है।